सलमान खान बहुत मजबूत दिल वाले एक्टर हैं, उनकी आंखों से जल्दी आंसू नहीं निकलते, लेकिन इस बार आईफा अवार्ड्स में सलमान ने जो अपनी कहानी सुनाई तो उसे सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू छलकाए और साथ ही वहां बैठे हजारों लोग भी इमोशनल हो गए। सलमान उस दौर के एक्टर हैं जब स्टार किड्स को आम आदमी की तरह फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ता था। आईफा में सलमान ने बताया कि फिल्म मैंने प्यार किया करने के बाद वो महीनों तक बेरोजगार रहे और ये बताते हुए सलमान रो पड़े। सलमान ने कहा, फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज होने के बाद भाग्यश्री ने फैसला किया कि वो और काम नहीं करेंगी क्योंकि वो शादी करना चाहती थी और वो पूरा क्रेडिट लेकर चली गई। 6 महीने तक मेरे पास कोई फिल्म कोई काम नहीं था, तब एक देवता समान आदमी रमेश तौरानी मेरी जिंदगी में आए। मेरे पिता ने उस वक्त 2000 रुपए दिए और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी से कहा कि वो एक फिल्म मैगजीन में झूठी अनाउंसमेंट कर दें कि उन्होंने मुझे एक फिल्म में साइन किया है। जीपी ने ऐसा ही किया पर साथ में कोई पिक्चर नहीं थी, लेकिन तब रमेश तौरानी जीपी सिप्पी के ऑफिस गए और फिल्म म्यूजिक के लिए 5 लाख रुपए दिए। उन 5 लाख रुपयों की वजह से मुझे बाद में फिल्म पत्थर के फूल मिली। ये बोलते हुए सलमान भावुक हो गए। इसके बाद सलमान ने बताया कि एक ऐसा वक्त भी था जब उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त सलमान एक शॉप में थे, वो एक शर्ट और वॉलेट खरीदना चाहते थे पर पैसे न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। उस वक्त सुनील शेट्टी उनके साथ में थे। सुनील शेट्टी ने सलमान की आंखों को पढ़ लिया और फिर बाद में सुनील शेट्टी ने उन्हें वही शर्ट और वॉलेट खरीदकर गिफ्ट कर दिया। सलमान खान इस दौरान बोनी कपूर का भी शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। सलमान ने बताया कि जब उनका समय खराब चल रहा था तब बोनी कपूर ने उन्हें वांटेड जैसी फिल्म देकर उनकी मदद की थी। सलमान को बनाने में कई लोगों का हाथ है। इतने लोगों की मदद और दुआओं की वजह से आज सलमान इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। इसलिए सलमान किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। तमाम एक्टर आज उनकी बदौलत बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाए हैं। फिलहाल आप क्या कहेंगे सलमान को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।